हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो से रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जॉडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जॉडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आज हम रीडिंग करने वाले हैं गाइस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पर, आपके पर्सन की क्या स्थिति बनी हुई है जो नो कॉन्टेक्ट में है। ओके, सो देखने की कोशिश करते हैं गाइस क्या निकल कर आता है। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जो कि मेरे व्यूअर्स के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, उनकी एनर्जीज क्या है। क्रिएटिविटी, कनेक्शन, वाओ, अबंडेंस, चार कार्ड हैं यहाँ पे, कमिटमेंट, वर्दीनेस, डेटिंग एंड इमोशनल फ्रीडम। फाइन, ओके डियर, सो यहां पर आप लोगों के लिए क्या है। यहां पर गाइस मुझे ऐसा लगता है नो कॉन्टेक्ट में कि इस पर्सन के लिए ऐसा लग रहा है कि यू नो इस पर्सन को आप देख रहे हो। यहां पे दो लोग हैं, यहां पर एक कपल है। ओके, सो आप ये चीज देख पा रहे हो यहाँ पर, क्यों ना यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड है। सो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को अभी आपकी जरूरत है इस टाइम पीरियड में, अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है। कारण क्या है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर आप यू नो इस पर्सन की लाइफ में एज अ लाइफ पार्टनर आते हैं तो बहुत सारी चीजें ये पर्सन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप एक अच्छे सपोर्टिंग पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आप अच्छे इंसान हो सकते हैं, या फिर काफी अच्छा सपोर्ट करते हैं, जो भी है। लेकिन मैं यहाँ पर दो लोगों को देख रही हूँ और ये पर्सन कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी कार्ड के साथ इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और यू नो अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि आप इनकी लाइफ में रहो उस टाइम। ठीक है, मतलब ये बेसिकली अपनी लाइफ में आपको लेकर आना चाहते हैं और आपके साथ मिलकर कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी चीज ऐसी, ये एनर्जी है। विद कमिटमेंट कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि यू नो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कमिटमेंट मिलने वाली है। ठीक है, बिकॉज कमिटमेंट का कार्ड आया तो ये पर्सन सोच रहे हैं कमिट करने की, बिकॉज यहाँ पर यू नो लड़की हो या लड़का हो, आपकी हस्बैंड हो, वाइफ हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डजेंट मैटर गाइज। कमेंट सेक्शन में ये मत लिखिए कि ये जेंडर की रीडिंग नहीं होती है, एनर्जी, हम एनर्जी रीड करते हैं। ठीक है, आप अपने पर्सन के लिए ये एनर्जी वाइज ले सकते हैं, राइट। सो यहाँ कमिटमेंट के साथ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब वो सही समय आ गया है कि आपको कमिटमेंट देनी चाहिए। ओके, कनेक्शन की वर्थ को भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, बिकॉज यू नो डीप कनेक्शन है काफी, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इतना जो डीप कनेक्शन इस व्यक्ति का आपके साथ है, ये किसी और के साथ बन नहीं रहा है, या फिर यू नो वो एनर्जी किसी और के साथ मिल नहीं रही है, बिकॉज ये कनेक्शन काफी स्पिरिचुअल लेवल पर मुझे नजर आ रहा है। इस कनेक्शन की वर्थ है, राइट, ये आपकी वर्थ को भी समझ रहे हैं, आपको काफी वर्थी देख रहे हैं, और ये कनेक्शन काफी स्ट्रांग मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। इस पर्सन का मन है यू नो आपको डेट करने का, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं काफी यू नो आप दोनों साथ में हो, यहाँ भी दो लोग हैं, यहाँ भी मुझे नजर आ रहे हैं, एंड यहाँ भी दो लोग हैं। सो लाइक ये पर्सन अपनी लाइफ में आपको इमेजिन करते रहते हैं, काफी कल्पनाएं करती हैं आपकी, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। ऑल्सो ये कुछ गिफ्ट कर रहे हैं आपको, फ्लावर्स ऑफर कर रहे हैं, डेट करना चाहते हैं आपको, समथिंग लाइक दैट, ऐसी एनर्जी है। तो नो कॉन्टेक्ट में ये सारी चीजें सोच रहे हैं। अबंडेंस इस पर्सन को आपके साथ फील होती है, ठीक है, पैसे की और खुशियों की जो एक्चुअल अबंडेंस है ये पर्सन को आपके साथ फील होती है। ठीक है, ये एनर्जी है। इमोशनल फ्रीडम के साथ कहीं ना कहीं यू नो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। मैंने कई बार बोला है गाइस कि यू नो कनेक्शन वही चलते हैं जहां पर आप दो लोग इमोशनली कनेक्ट कर पाते हो।
अगर आप दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्शन नहीं है तो फिर कोई कनेक्शन आपका चल नहीं सकता है, ठीक है। अगर आप एक दूसरे को इमोशनली नहीं समझते तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है इमोशनल फ्रीडम कार्ड के साथ कि इमोशनल कनेक्शन आपके साथ काफी स्ट्रांग था इस पर्सन का, आई थिंक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो क्षमता हो सकती है कि पर्सन आपको कुछ भी शेयर कर देते थे इजिली, ऐसी मुझे एनर्जी मिल रही है। इसलिए कि पर्सन अपने आप को इमोशनली फ्री करना चाहते हैं। अगर ये कहीं पर बंधे हुए हैं और अपने इमोशंस के विरुद्ध जाकर कोई भी काम कर रहे हैं तो ये पर्सन अपने आप को इमोशनली फ्री करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। देखते हैं गाइस टैरो क्या बताते हैं, ठीक है, लेट्स सी। ट्रू लवर से तो आप लोगों के लिए कमिटमेंट कार्ड आया है गाइस, ठीक है, क्लेम कर लीजिए इस रीडिंग को। जो लोग भी चाहते हैं कमिट कर दे, उनके पार्टनर, उनके हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में है अगर आप लोग, तो जो भी चाहते हैं कि उनको कमिटमेंट मिल जाए गाइस, वो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बेझिझक। ओके, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, एस ऑफ कप्स, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जो भी हैं नो कॉन्टेक्ट में, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? वाओ, जजमेंट, क्वीन ऑफ वांड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एंड सिक्स ऑफ कप्स। बॉटम से किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, किस तरीके से एनर्जी आई है, ओ माय गॉड। किस तरीके से एनर्जीज आई है नो कॉन्टेक्ट में गाइस? सबसे पहले मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी गाइस, ये पर्सन जो भी हैं जिनके बारे में भी आप बात कर रहे हो, टू ऑफ कप्स कार्ड, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, जिनके साथ भी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन नजर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर दो लोग हैं, यहाँ पर टू कप्स हैं एंड यहाँ पर डिवाइन की नजर आपके ऊपर है। इट मीन्स कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक ये डिवाइन कनेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। आप इस पर्सन के सोलमेट हो सकते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स कार्ड के साथ, ठीक है। ये जो कनेक्शन है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, ठीक है, तो काफी स्ट्रांग कनेक्शन है। लेकिन आप फिर भी देखिए ये पर्सन आपसे रन कर रहे हैं, बिकॉज आप लोगों की एनर्जीज मैच नहीं कर रही हैं गाइस। मुझे यहां पर ऐसी एनर्जी लग रही है कि आप लोगों की एनर्जीज मैच नहीं कर रही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना तो चाहते हैं, यहां भी एस ऑफ कप्स है, इस पर्सन की मन की चाहत तो है कि आपके साथ फैमिली बनाई जाए, लेकिन स्टिल ये पर्सन रन कर रहे हैं। जानते हैं आप क्यों, क्यों भाग रहे हैं, क्यों ये आपको ऑफर कर नहीं रहे हैं? कारण बताती हूं मैं। आप यहां पर देखिए, यहां पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड यहां पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इस पर्सन का फोकस कहां है, करियर पे, अबंडेंस पे, अपने बिजनेस पे, जो भी ये करते हैं उस चीज पर। ऑल्सो ये पर्सन अभी बहुत शार्प माइंडेड, काफी प्रैक्टिकल हो रखे हैं और प्रैक्टिकली चीजों को हैंडल कर रहे हैं, काफी स्ट्रांग डिसीजंस बना रहे हैं अपनी लाइफ में। ऐसे लोगों को कट ऑफ कर रहे हैं जो इनको सर्व नहीं करते, ठीक है। ये दोनों एनर्जीज किसकी हैं? आपके पर्सन की। अब आप अपनी एनर्जीज देखिए, ठीक है, आप दोनों के एलिमेंट्स ही नहीं मिल रहे इस वक्त भी, एनर्जीज सेम पेज पर नहीं है। यहां पर देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ ये पर्सन काफी इस समय स्पिरिचुअल हो रखा है और लव की एनर्जी में है, ठीक है। मतलब आप इस वक्त ये देखिए, ठीक है, आप इस वक्त किस तरीके की एनर्जी में हैं, ठीक है। अभी आप मुझे स्पिरिचुअल और लव की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो और ये पर्सन मुझे प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल नजर आ रहे हैं, ठीक है। मनी और सक्सेस, और यहां पर ये पर्सन मुझे काफी ज्यादा रूड और ईगोइस्टिक,
तो ये एनर्जीज हैं आपकी, तो ये एनर्जीज ऐसे दिखा रही हैं गाइस कि यू नो यहाँ पर अभी कोई भी यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जीज मैच नहीं कर रही हैं आप लोगों की, इस वजह से भी मुझे लगता है ये पर्सन आपसे रन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है गाइस कि इस पर्सन को आपको आपकी केयर नहीं है, ठीक है, केयर नहीं है, लेकिन केयर करते हैं, लेकिन उसके बाद भी रन कर रहे हैं बिकॉज एनर्जीज मैच नहीं कर रही हैं आप लोगों की, ठीक है। आप लव की एनर्जी में हो, ये रूडनेस में है, ईगोस्टिक है ये, ठीक है। तो यहाँ पर यू नो आप लोगों की एनर्जीज बैलेंस नहीं है, ठीक है। आप अगर हो भी ऊपर तो ये पर्सन नीचे है, ऐसी एनर्जी है। जब तक ये पर्सन आपके लेवल पर नहीं आते, ये पर्सन इसी तरीके से भागेंगे आपसे, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। बिकॉज ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, ये सोलमेट है आपके जो भी है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो और रीडिंग देख रहे हो, नो कॉन्टेक्ट में, जिसके साथ भी, जो भी आपके हस्बैंड वाइफ जो भी है, ठीक है। लेकिन कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है गाइस, ठीक है, कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। ये पर्सन को आपकी वर्थ तो पता है, ठीक है, वर्थ पता है। ये एनर्जी से रन इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही ये आपके पास आते हैं या आपसे बात करते हैं, आप इन्हें ट्रिगर दे देते हो, या फिर यू नो आप इनके पास जाते हैं, इनसे बात करते हैं, तो ये आपको ट्रिगर दे देते हैं बिकॉज अभी एनर्जी बैलेंस नहीं है, एनर्जी सेम पेज पर नहीं है दोनों की, ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर यू नो फाइनल जजमेंट तो डिवाइन की होनी है, जजमेंट का कार्ड है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिवाइन आप दोनों को ही जज कर रहे हैं, ठीक है। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है गाइस, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन अपनी लाइफ में काफी डिले भी फेस कर रहे हैं, काफी यू नो सफर भी कर रहे हैं, इसके बाद भी रन कर रहे हैं, जबकि इस पर्सन का मन है कि फैमिली बन जाए आपके साथ। मतलब यू नो मुझे ऐसा लगता है एनर्जी को रीड करके कि ये पर्सन के मन में है, दिल में है, दिमाग में है, एक्शन में नहीं है। एक्शन क्या है? एक्शन रन करने का है, आना चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और आप लोग भी मुझे लगता है कि नो जैसे इस तरीके से कार्ड्स आपकी तरफ निकल के नहीं आए, आपकी तरफ शायद अभी आप करियर पर फोकस नहीं कर रहे हो, या फिर आप अभी शार्प माइंडेड नहीं हो, प्रैक्टिकल नहीं हो चीजों को लेकर, ठीक है। तो ये भी एनर्जी हो सकती है यहाँ पर, ऐसी एनर्जी इस पर्सन की नजर आ रही है। अभी तो फिलहाल इस पर्सन को क्लैरिटी की कमी नजर आती है मुझे, टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ जगल कर रहे हैं दो सिचुएशन में, ठीक है, दो सिचुएशन में ये पर्सन जगल कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई मोर, ओके, ट्रम्प यहां पर, हार्टिक एंड लॉस, अथॉरिटी एंड स्पिरिचुअल यूनियन, राइट। सो इस पर्सन को एक स्पिरिचुअल यूनियन के लिए, ठीक है, ये देखिए मैंने कहा था एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सो इसका इस कनेक्शन का होना है स्पिरिचुअल यूनियन, ओके। तो यहां पर यू नो अभी ऐसा लग रहा है कि जो भी कनेक्शन खराब हो रखा है वो थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है। ये थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन में फैमिली है, मदर फादर है, या फिर यू नो कोई थर्ड पर्सन बीच में आ रहा है, इस पर्सन का करियर बीच में आ रहा है, जो भी इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी है वो यहाँ पर यू नो रिलीज होगी, तब ये स्पिरिचुअल यूनियन होगा, ठीक है, जब ये पर्सन अथॉरिटी अपने हाथ में लेंगे, ठीक है। अभी तो ये काफी ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में डील कर रहे हैं, फैमिलिटी को समझ ही नहीं रहे, ऊपर से अपने इमोशंस को भी इस पर्सन ने सप्रेस किया हुआ है, ठीक है। ट्रम्प कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन का एक्शन होगा जब यहाँ पर ये थर्ड पार्टी रिलीज होगी, यस, न्यू बिगनिंग होगी इस कनेक्शन में 100%। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों की कॉन्टेक्ट होगी सिचुएशन, यहाँ पे मुझे वन का कार्ड दिख रहा है, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, ऑफर आएगा आपकी तरफ, बेस चक्र एंड मोमेंट चॉइसेस डिसीजन मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स, ओके। तो गाइस जो भी होगा वो यूनिवर्स की मर्जी से होगा, आप मैनिफेस्ट करते रहिए। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को, आप चाहते हैं अपने पर्सन को वापस, तो आप मैनिफेस्ट करते रहिए, जो भी होगा यूनिवर्स की मर्जी से होगा। एक चीज ध्यान रखिए गाइस, आपके पर्सन दो चीजों में जगल कर रहे हैं अभी, ठीक है, ये हो सकता है थर्ड पार्टी में और आप में जगल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स बैठे हुए हैं, ये कनेक्शन काफी स्ट्रांग है आपका, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है इस व्यक्ति के साथ, सोलमेट है ये आपके, ठीक है। तो ये कनेक्शन जो है वो जुड़ मतलब यू नो सेपरेशन और वो क्या कहते हैं यूनियन, दोनों ही यूनिवर्स के हाथ में है, ठीक है। मतलब जो भी आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं, जो भी आपके सोलमेट और ट्विन कनेक्शन होते हैं, ठीक है, जो भी आपके स्पिरिचुअल बॉन्ड्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की निगरानी में होते हैं,
तो उनका मिलना और उनका बिछड़ना, सेपरेशन, यूनियन जो भी है वो यूनिवर्स की मर्जी से होता है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है जिनके साथ भी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, उनके साथ आपका डेफिनेटली स्पिरिचुअल यूनियन होगा आने वाले टाइम में। मैं देखना चाहूंगी कितने समय के बाद होगा, लेट्स सी कितने समय के बाद होगा ये। क्लैरिफाई कीजिए स्पिरिचुअल यूनियन कब तक होगा, प्लीज बताइए मुझे एंजल्स, कब तक होगा ये स्पिरिचुअल यूनियन। तो कार्ड आओ, कोई कार्ड आओ, अच्छा आ गया। ओके, यहाँ पर है जजमेंट और ये है सेवन डिसेप्शन। इस पर्सन के मन में कभी अभी कुछ डिसेप्शन है गाइस, ये पर्सन मास्क लगाए हुए कुछ चीजें ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। यहाँ पर सेवन नंबर निकल कर आया, तो सेवन वीक और मे बी सेवन मंथ का टाइम इस यूनियन में लगेगा। ओके, सेवन वीक्स कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए सेवन डेज, लेकिन सेवन डेज मत लीजिए आप, सेवन वीक्स और सेवन मंथ, मैक्सिमम सेवन मंथ आपको लगेंगे, क्योंकि इस पर्सन के अंदर डिसेप्शन है और यहां से भी जजमेंट का कार्ड है, तो कार्ड है, तो यहाँ फाइनल जजमेंट यूनिवर्स की भी होनी है। ठीक है, यूनिवर्सल की जजमेंट पर ये पर्सन के चेहरे पर से नकाब उठेंगे और तभी आपको हकीकत बताएंगे, तब यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन होगा। राइट, अभी तो यूनिवर्स इनको कुछ लेसन सिखा रहे हैं जो ये आराम से सीख रहे हैं। ठीक है, डिसेप्शन इस पर्सन का, तभी ये भाग रहे हैं, तभी सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था, चीजें जानते हुए भी ये पर्सन भाग रहे हैं, मतलब ये जानते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, क्या करना चाहिए, क्या इनके लिए सही है, उसके बाद भी ये आपसे रन कर रहे हैं। ओके, मैं तब तक के लिए गाइस आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहेंगे। लक इज ऑन योर साइड, तो यहां पर अभी आपसे ये कहा जा रहा है कि लक आपके फेवर में है, तो आप अपने करियर पर फोकस करें। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, क्योंकि विन विन आउटकम तो आप ही को मिलना है यहाँ पे। ठीक है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, तो यहाँ पर यू नो नेगेटिविटी को भी रिलीज कीजिए अगर आपके माइंड में है तो। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं इस वक्त में आप उसके बहुत करीब हैं, लक आपके फेवर में है, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, करियर पर फोकस कीजिए, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, आपकी जो भी सिचुएशन है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, और अगर आप नेगेटिविटी को रिलीज करना चाहते हैं तो मेडिटेशन कीजिए, कंटम्पलेशन कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। ठीक है, अपने आप को हील कीजिए गाइस, ये स्पिरिचुअल बॉन्ड है, ये आपके सोलमेट हैं, ये कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, ये आपसे दूर कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, ये आपका कोई कार्मिक बॉन्ड नहीं है, ये आपका एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, तो ये कहीं नहीं जा रहे। इस समय में इस पर्सन की और आपकी हीलिंग चल रही है, टाइम फॉर हीलिंग, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए और अपनी सिचुएशन प्यार लेकर आने की कोशिश कीजिए। उसके बाद विन विन आउटकम तो आप ही को मिलना है, लक आपके ही फेवर में है इस वक्त, तो जो भी आप अचीव करना चाहते हैं अपने करियर में उसको करिए। ठीक है, यूनिवर्सल गाइडेंस है आपके लिए, उसको करिए। ठीक है, बाकी सब यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। ठीक है, ये कनेक्शन आपके लिए बना ही, आपको डेफिनेटली मिलेगा। राइट, सो गाइज, ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।